तो हम आपको आज पहला ट्यूटोरियल सिखा रहे हैं। ये एक बेसिक अभ्यास है। जैसे देखिए मृदंग में मैंने बहुत अभ्यास नहीं कराया था, बेसिक आपको सारे का मैं सिखा दूंगा ताकि उंगलियां चलना चालू हो जाएं। और उद्देश्य क्या है, उंगलियों की आदत हो जानी चाहिए चलने के लिए। एक तो ये देखिए इसमें धौंकनी होती है, तो धौंकनी को हम जब चला रहे हैं तो ये नहीं कि धौंकनी चलाते जाए आवाज ना करें, ये देख रहे हैं, इससे पहले कि आवाज मर जाए हमें हवा भर देनी होती है। तो बाएं हाथ से हम हवा भरते रहते हैं इसमें और दाएं हाथ से चलाना होता है। अब ये पहला सा है, सा को पकड़िए सा, और इसे संग गाना होगा। जब गाएंगे तब वो आवाज जो है आपको समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे कि कीज में कौन सी आवाज होती है। दैट इंट्यूशन हैज डेवलप। ये नहीं कि बार बार आपको हर ट्यून के लिए आपको मंत्र सीखने की जरूरत है, वो नहीं चाहते हम लोग। हमारा जो टेक्निक है सिखाने की वो ये है कि व्यक्ति को पूरा सारे गामा जो है वो सारे गामा नहीं, हर चीज में क्या आवाज आ रही है वो समझ में आए। देखिए हम कैसे आवाज, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि गाएं और अच्छे से गाएं। और दूसरी बात यह है कि हमारी आवाज जो है वो हारमोनियम की आवाज से दबनी नहीं चाहिए, उस तेज आनी चाहिए। हारमोनियम इज अ बैकग्राउंड म्यूजिक, ऐसा नहीं कि वो हमारे फोरग्राउंड म्यूजिक की तरह हो जाए और हमारी आवाज को कवर कर ले। तो अभ्यास पहला देखिए सा। अब सा को मैं इस उंगली से बजा रहा हूं, जो पहली उंगली होती है ना, पांच उंगली आप देख रहे हैं, इसमें पहली वाली जो उंगली है ये सा पे जाएगी, दूसरी वाली रे पे जाएगी रे, और ये तीसरा जो पॉइंट है इसका ये गा, ये दीर्घ गा है और ये कोमल गा है, देखना ऊंचा गा है ये। तो इस पे आपका अंगूठा जाएगा, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है ताकि फिर आपका उंगलियां फंसेंगे नहीं। फिर उसके बाद इस पे ही आ जाएगा सारे गा मा धा नी सा सा नी धा पा मा रे सा। तो पहले अभ्यास में आपको स्लोली बजाना होगा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा रे सा। आप ध्यान दीजिएगा कि जो मेरी उंगली जिस पे टच कर रही है वही उंगली बार बार उसी पे आ रही है, तो आपका अभ्यास बनेगा, थोड़ी उंगली चलनी चाहिए। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। कभी कभी भक्तों को ये विचार हो सकता है कि ये तो आध्यात्मिक शब्द नहीं है, हम हरे कृष्णा सीधे क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए भागवत में बोला गया है सारे गामा पधा निसा जो भी है यह भी आध्यात्मिक ध्वनि है, और इसका उच्चारण इसका उपयोग भगवान की कीर्ति के लिए होता है, तो उसका उच्चारण करने से भी हम शुद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपको हम हरे कृष्णा सिखाते हैं।